चलो भी करते हैं। पहला वर्ड टर्न आउट। अब ये जो टर्न आउट था ये आपने पहले के लिए प्रोड्यूस भी था, ठीक है। टर्न ऑफ का मतलब निकालना, बाहर निकालना, रिजेक्ट करने की सेंस में था कि मैनेजर लीजिए आप उसको टर्न ऑफ कर दें, टर्न आउट कर दें। तो टर्न ओवर भी हमने सुना है उत्पादन के लिए, ठीक है। एक उत्पादन के लिए प्रोड्यूस तो है ही है, एक यील्ड वर्ड भी है, आई वाई आई ई एल डी। लेकिन यहां पर इसका मतलब थोड़ा सा टर्न आउट यहां पर प्रूव होने की सेंस है, सिद्ध होना। जैसे ही टर्नड आउट टू बी ऑनेस्ट। वो कैसा निकला भाई? ऑनेस्ट निकला, टर्नड आउट टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार निकला भाई, वो तो बहुत ईमानदार निकला। ही टर्नड आउट टू बी ऑनेस्ट, ही टर्नड आउट टू बी ऑनेस्ट, क्लियर। तो टर्न आउट का मतलब प्रूव भी होता है, ये हमें ध्यान रखना है, सही है। हाँ जी, एक वर्ड इसका और है, वो और देख लें। दूसरा वर्ड इसका टर्न का ही लास्ट वर्ड है, टर्न का टर्न अप, ये भी आया हुआ है एग्जाम में आपका। कम बैक, ठीक है, कम बैक। इसका यूज लिख देता हूं, थोड़ा सा याद रहेगा। आई कॉल्ड हिम ट्वाइस बट ही डिड नॉट टर्न अप, ठीक। मैंने उसे दो बार बुलाया लेकिन वो नहीं आया, ठीक है, टर्न अप। ठीक है भाई, जैसे हम कहते हैं वो एक घंटे पहले गया था, बस वो आने वाला है। तो ही जस्ट अबाउट टू कम के ना कहकर आप उसको कम बैक ना कहकर आप उसको टर्न अप कह सकते हैं। तो कम बैक या टर्न अप दोनों का मीनिंग एक ही है, क्लियर। तो ये आपका टर्न के वर्ड कंप्लीट हो गए। टर्न के वर्ड कंप्लीट। अब आता है नया वर्ड, नया वर्ड है वेट। पहला वर्ड वेट, हाँ भाई, पहला वर्ड है वेट। वेट का पहला वर्ड ऑन लगा दिया इन्होंने, ऑन, वेट ऑन। हाँ भाई, वेट ऑन का मतलब आप थोड़ा सा सर्व करने की सेंस में मान लें या अटेंड करने की सेंस में, ठीक, क्लियर है, सही है। तो यहां पर देखभाल करने के सेंस में, केयर, लुक आफ्टर, एक अच्छा वर्ड बताया था, लुक आफ्टर। द वेटर वेटेड ऑन मी, द वेटर वेटेड ऑन ओल्ड पेरेंट्स, मतलब कहने का नर्स वेटेड ऑन द पेशेंट, ठीक है, द नर्स वेटेड ऑन द पेशेंट, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि वेट ऑन जब भी आएगा आप बस ध्यान देना, किसी की सेवा करना, सर्व करने के सेंस में आता है। अगर ऑन नहीं लगाया है तो वहाँ अपॉन भी यूज मान सकते हैं, ठीक है। अगर अपॉन नहीं, मतलब सॉरी, अगर वो नहीं है तो वहाँ पर ये वाला भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक। हाँ भैया, वैक्स वर्ड कंप्लीट हो गया, वेट के बस यही वर्ड था, वेट ऑन। वेट ऑन का मतलब आप समझ जाइए सर्व करना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है वियर। हाँ भाई, वियर का मतलब पहनना होता है और वियर का मतलब टूट फूट भी होता है। तो वियर माने पहनना भी होता है, टूट फूट भी। यहां देखें क्या कहना चाह रहे हैं, वियर अवे पहला वर्ड, वियर अवे, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ग्रेजुअली उस वर्ड को ही लिख लें, ग्रेजुअली रिड्यूस,
कोई चीज धीरे धीरे उसकी कम हो रही है। एक वर्ड आपको ध्यान होगा, अगर आप कॉमर्स कॉमर्स के बच्चों को पता रहता है, ये वर्ड डेप्रिसिएट, इसका उल्टा होता है एप्रिशिएट। डेप्रिशिएट मीन्स होता है कमी और एप्रिशिएट मीन्स होता है वृद्धि। जैसे आपने कार ली तो हर साल उसकी जो वैल्यू है वो जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे, वियर अवे, उसको यूज़ करेंगे, पहनेंगे, ऐसे मान लीजिए यूज़ करना पहनना, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होगी। तो वो जो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है उसको कहते हैं डेप्रिसिएट। और अगर किसी की वैल्यू, जैसे लैंड की वैल्यू की सेंस के अगर हम बात करें, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो उसके लिए एप्रिशिएट वर्ड यूज़ है। और एप्रिशिएट किसी की तारीफ करना भी होता है, ठीक है, उस किसी व्यक्ति की तारीफ करना, एप्रिशिएट, क्लियर। तो वियर के साथ अवे हमारा सही वर्ड है, अवे हमने यूज कर लिया, वियर अवे। हाँ भाई, दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड, एक वर्ड है वियर ऑफ, इसका मीनिंग भी देख लें। वियर ऑफ का मतलब डिसअपीयर ग्रेजुअली, धीरे धीरे समाप्त होना, क्लियर, ठीक है। कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम थी, इनकन्वीनियंस थी, दिक्कत थी, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी, वियर ऑफ। जैसे इसमें लिखा था, दीज ग्लासेस मे सीम अनकंफर्टेबल एट फर्स्ट, ये जो ग्लासेस हैं, शीशे हैं, शुरू में अनकंफर्टेबल फील हो सकते हैं, बट योर इनकन्वीनियंस, लेकिन जो आपकी थोड़ा सा असुविधा है, विल सून वियर ऑफ, समाप्त हो जाएगी। तो डिसअपीयर मींस होता है वो समाप्त होना, रिमूव, कोई प्रॉब्लम का समाप्त होना, वियर ऑफ। और वियर अवे, किसी चीज की कीमत में धीरे धीरे कमी आना, उसको कहते हैं वियर ऑफ, सॉरी वियर अवे। और वियर ऑफ रिमूव, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, समाप्त होना, वियर ऑफ, क्लियर। तीसरा वर्ड एक होता है वियर आउट, वियर आउट, वियर आउट का मतलब आपने कोई चीज लॉन्ग यूज करी, ठीक, और वो अब क्या हो गई, लॉन्ग यूज करने के बाद अब वो चीज अनसर्विसेबल, उसको आप यूज नहीं कर पा रहे, अब लॉन्ग यूज हो गई, घिस गई, वियर आउट। यूज देखता हूं, चिल्ड्रन वियर आउट देयर शूज वेरी क्विकली, बच्चे जो है अपने शूज जल्दी ही घिस देते हैं, क्लियर, बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो चीज, फिर यूज के लायक नहीं रहते, वियर आउट देयर शूज। सपोज कीजिए मैं इसको, आई वियर आउट द मार्कर, बहुत ज्यादा यूज करता हूं, बहुत, तो ये धीरे धीरे क्या समाप्त हो जाता है, वियर आउट, क्लियर। तो ये वाला वर्ड आपका वियर वाला कंप्लीट, वियर वाला वर्ड कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है विंक। हाँ भाई, विंक, विंक का मतलब जैसे आंखें झपका लेना, उसको कहते हैं विंक, आंखें मारने की सेंस में विंग यूज हो जाता है। हाँ भाई, फर्स्ट है, पहला वर्ड विंक एट, इसका मतलब होता है इग्नोर करना, इग्नोर, जान पूछकर, पर्पजली या इंटेंशनली, इरादे से, विंक एट, देखकर आंखें वो कर लेना, विंक, क्लियर, आंखें मूंद लेना, उस सेंस में, क्लियर है, आंखें भींच लेना, भींचना, मूंद लेना। एक वर्ड आपको ध्यान होगा शायद, एक वर्ड इडियम ही एक प्रीपोजिशन के साथ बताया होगा आपको, ब्लाइंड टू, कनाइव एट। भैया इनको सारी चीजों को समझो आप, ब्लाइंड टू या कनाइव एट, जैसे
मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, दे आर ब्लाइंड टू द मिस्टेक्स ऑफ देयर पेरेंट्स. वो अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा करते हैं, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है. तो दे कनाइव एट द मिस्टेक्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो उससे क्या होता है, अभी गलतियाँ छोटी छोटी हैं, फिर बाद में बहुत बड़ी गलती हो जाती है. तो उसको कहते हैं इग्नोर करना. तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए, उसको मेंड करना चाहिए. ठीक है, तो विंक एट, ये वर्ड ही था इसमें. विंक में केवल एक ही वर्ड था, विंक एट. इग्नोर करना इंटेंशनली. अब बताइए, विंक का एट आ गया. अब एग्जाम में जिसको पता है, यही तो होता है कंपटीशन के अंदर, आपको 360 डिग्री पर वर्क करना पड़ेगा. आप लिमिटेड वर्ड याद रट नहीं सकते, आप उसको जितना मैक्सिमम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पढ़ें, समझें, जब ही क्लियर होती हैं चीज़ें, जब भी उसका फ़ायदा होता है. हाँ भाई, नेक्स्ट है वाइंड. हाँ भाई, वाइंड का मतलब चाबी देना भी होता है. और यहां पर जो वाइंड का मतलब है, वाइंड अप, जब अप लगा देते हैं तो एंड की ओर होता है. जैसे उन्होंने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया. वाइंड अप योर बिजनेस, अपने बिजनेस को वाइंड अप कर लो, आप समाप्त कर लो, काम को वाइंड अप कर लो. ठीक, तो उस सेंस में आता है वाइंड अप. क्लियर है? नेक्स्ट, सही है. तो ये वाइंड अप हो गया हमारा. एक वर्ड है वर्क. वर्क, हाँ भाई, पहला वर्ड है वर्क ऑन. इफेक्ट के लिए आता है, इफेक्ट. ठीक है, वर्क ऑन मीन्स इफेक्ट. क्लियर भाई? इफेक्ट, कोई भी चीज, मान लीजिए कोई एडवाइस है, दिस एडवाइस वर्क ऑन हिम, हाँ भाई, उस पर काम कर गई, इफेक्ट कर दिया, इस एडवाइस ने उसको इफेक्ट कर दिया. दरअसल में ये इफेक्ट नहीं है, ये इफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही वर्ड यूज हो जाते हैं, मेनली वर्ब ये है. चलो इसको इतना ही रखते हैं.